आगरा में वंदे भारत ट्रेन पहली बार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गई है और आगरा से मथुरा के बीच 11वीं वंदे भारत ने 160 किलोमीटर की रफ्तार हासिल की है। खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे रिपोर्टर, उनकी एक रिपोर्ट देखिए। रानी कमलापति भोपाल से दिल्ली का सफर वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ, जिस तरह से मैं आपको बताया था कि ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, वो आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, नेक्स्ट स्टॉप है 159 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो चुकी है। यहाँ तस्वीरों में आप देखिए, स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा है स्पीड 159 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा, ये देखिए 160 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड हो चुकी है ट्रेन की इस समय वंदे भारत एक्सप्रेस, 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस। जिस तरह से हमने आपको बताया था शुरुआत में ही कि ये ट्रेन अपनी टॉप स्पीड को आज हासिल कर लेगी। जो ट्रेन की टॉप स्पीड है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जो ऑपरेशनल स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप तस्वीरों में देखिए 160 किलोमीटर प्रति घंटा अब ये ट्रेन पहुंच चुकी है। अभी तक जितनी भी ट्रेन चल रही थी वंदे भारत, वो दरअसल 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चल रही थी, लेकिन आगरा के आगे से सेक्शन जो जुड़ते हैं वो वहां पर गतिमान एक्सप्रेस भी कुछ इसी स्पीड में चलती है। तो यहां पे आप देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस 160 स्पीड में आज ये पहुंच चुकी है। यही इसकी खास बात थी। इस बार की जो वंदे भारत 11वीं वंदे भारत जो थी उसमें माना जा रहा था कि ये जो रूट है वो इसके लिए, यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए उस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है, यानी जो आपका ट्रैक है वो असल में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैयार किया गया है। तो इसी वजह से इस ट्रैक पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसने अपनी स्पीड हासिल कर ली है। वीडियोलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, आगरा। चारधाम यात्रा के मद्देनजर हरिद्वार में यात्रियों की सुविधा के लिए नगर निगम ने स्मार्ट टॉयलेट और वाटर एटीएम लगाए हैं।